नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्लोबल न्यूज़ में। तो दोस्तों, समय के साथ साथ दुनिया भी एडवांस होती जा रही है और इस वक्त दुनिया में फिफ्थ जनरेशन के अलावा सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट की होड़ लगी हुई है। और अब अमेरिका, जो कि सबसे पहले अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला देश है, अब वो सबसे पहले अपना सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट FAXX बनाने वाला है। और दोस्तों, भारत के पास भी एक मौका है, और वो मौका क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि अमेरिका की एक ट्रस्टेड वेबसाइट USNI ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि अब अमेरिका अपना सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाला है, जो कि उसकी नेवल आपूर्तियों को पूरा करेगा, क्योंकि अब अमेरिका अपने F-18 सुपर हॉर्नेट को रिप्लेस करने वाला है F-35C से, और उसके जो नेवल फाइटर होने वाला है FAXX से। दोस्तों, अमेरिका ही वो देश है जिसने सबसे पहले अपना ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाया था। और दोस्तों, अमेरिका के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो अपना एक ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना पाया हो। हालांकि रूस और चीन ये दावा करते हैं कि उनके पास एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन दोस्तों असलियत में वो एक ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, और सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं। दोस्तों, जो चाइना का J-20 है, उसका जो भारी डिज़ाइन है वो अमेरिका के F-35 से कॉपी करके बनाया हुआ है। और दोस्तों, जो रूस का SU-57 है, वो दोस्तों अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि दोस्तों भारत भी उस प्रोग्राम में शामिल था, लेकिन दोस्तों भारत ने ये कहते हुए उस प्रोग्राम को छोड़ दिया था, क्योंकि रूस भारत के मुताबिक उसमें बदलाव नहीं कर रहा था, जिससे वो एक ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं बन पा रहा था। लेकिन दोस्तों, ऐसे समय में जब ये दुनिया अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने में ही उलझी हुई है, वहाँ दूसरी तरफ अमेरिका अपना सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने में लग चुका है। और दोस्तों, जो अमेरिका की नेवी है, उन्होंने ये रिक्वायरमेंट जारी की है बोइंग और लॉकहीड मार्टिन को कि आप एक मॉडल तैयार कीजिए एक सिक्स जनरेशन फाइटर जेट का, जिसके बाद वो क्वालिफाई करेंगे कि कौन सा मॉडल बेस्ट होगा और कौन सी कंपनी इसको डेवलप करेगी। दोस्तों, US नेवी का प्लान है कि साल 2030 से पहले सभी Block 3 फाइटर जेट, यानी कि F-18 सुपर हॉर्नेट की सभी स्क्वाड्रनों को रिप्लेस किया जाएगा F-35 और जो अमेरिका का सिक्स जनरेशन फाइटर जेट होगा, उन सभी से उनको रिप्लेस किया जाएगा। FAXX को F-35 और F-22 बेस पर तैयार किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो कमियां F-35 और F-22 में रह गई थी, उनको FAXX में बिल्कुल हटा दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक कमी F-35 की ये है कि जब F-35 सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसका जो स्टेल्थ कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि कोई भी रडार उसको पकड़ सकता है। इस वजह से उसकी इस कमी को दूर करने के लिए FAXX को इस आधार पर तैयार किया जाएगा कि सुपरसोनिक स्पीड में भी उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी बिल्कुल बनी रहे। FAXX में फ्यूल कंजप्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों फ्यूल कंजप्शन से ही पता चलता है कि कौन सा फाइटर जेट कितनी दूरी तक मार करने में सक्षम है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई फाइटर जेट सुपरसोनिक स्पीड से या फिर उससे तेज ट्रैवल करेगा तो उसका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से FAXX की फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। चूँकि FAXX एक सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा, तो इसकी स्टेल्थ कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, जो ये दावा करते हैं रूस के डिफेंस एक्सपर्ट कि S-400 से F-22 और F-35 को शूट डाउन किया जा सकता है, तो अमेरिका भी इस बात को ध्यान रखते हुए उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी को बढ़ाएगा FAXX की, कि S-400 हो या फिर S-500, वो उस फाइटर जेट को ट्रैक नहीं कर पाए। और अमेरिका का ये एडवांस फाइटर जेट इतना लीथल और एडवांस रडार सिस्टम से इक्विप होगा, और दोस्तों इसमें जो लेज़र वेपन है उनको भी लगाया जाएगा। और दोस्तों, अमेरिका का ये फाइटर जेट प्रोग्राम भारत के लिए भी एक गोल्डन चांस की तरह है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो अमेरिका का पाँचवीं पीढ़ी का प्रोग्राम था, यानी कि F-35 प्रोग्राम, वो काफ़ी हाई कॉस्टली प्रोग्राम था, जिसमें लगभग $500 बिलियन का खर्च आया था इसको पूरी तरह से डेवलप करने में। और दोस्तों, इसको अब भी और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, F-35 को और एडवांस बनाया जा रहा है। अकेले अमेरिका के लिए इतने हैवी कॉस्ट को उठाना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए उसने अपने मित्र देशों यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, नीदरलैंड को इस प्रोग्राम में शामिल किया था, जिससे जो उसका कॉस्ट था वो आपस में बट गया था और अमेरिका पर इतना लोड नहीं आया था इस प्रोग्राम के कॉस्ट का। तो दोस्तों, ऐसे में जब अमेरिका अपना सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम बनाएगा, तो वो यकीनन काफ़ी महंगा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि दोस्तों
जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम था वही काफ़ी कॉस्टली था, तो ऐसे में सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम का कॉस्टली होना एक जायज़ बात है। तो दोस्तों ऐसे में अमेरिका इस प्रोग्राम के लिए कुछ पार्टनर कंट्रीज़ की तलाश करेगा जो कुछ उसके मित्र देश हैं और दोस्तों जो उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल सेफ रख सकें। तो दोस्तों ऐसे में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मज़बूत दौर से गुजर रहे हैं, तो दोस्तों ज़रूर अमेरिका भारत को अपने इस सिक्स जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा। और दोस्तों अगर भारत के पास ये गोल्डन चांस आया तो भारत को यकीनन इसमें शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये अमेरिका का एक लेटेस्ट प्रोग्राम है। और दोस्तों आप इतना तो मानते ही होंगे कि अमेरिका के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है, चाहे आप F-35 को ले लीजिए, चाहे F-15 को ले लीजिए, या फिर F-22 फाइटर जेट हो, दोस्तों अमेरिका के पास हाईली एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों ऐसे में अगर भारत अमेरिका के साथ इस पार्टनरशिप में शामिल होता है तो भारत को भी एक एडवांस सिक्स जनरेशन फाइटर जेट मिलेगा, जो कि एक ट्रू टेक्नोलॉजी होगी।